हाय गाइस, इट्स वंदिता। वेलकम टू वंदिता डेयरिंग डिज़ाइन। तो आज मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ नया ट्राई करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, तभी मुझे मिला ये। तो चलो इससे कुछ बनाते हैं। रुको रुको रुको, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलो गाइस, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं अपनी कलाकारी। यहाँ मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर, दोनों को अच्छे से मिलाना है और अपने कंटेनर में अप्लाई करना है। गाइस बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई पार्ट जिसे छूट ना जाए, नहीं तो बहुत ही बेकार लगेगा। तो गाइस चलो इसे जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। एक बात बताऊँ, मुझे कलरिंग करने में इतना मज़ा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ, कलरिंग से मुझे प्यार है यार। आपको कलरिंग करना कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब धीरे धीरे हमारा बेसिक कलर कंप्लीट होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाओ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है यार, यहाँ पे कलर नहीं करना था फिर भी मैंने कर लिया है। चलो ठीक है, कर रही हूँ तो कंप्लीट ही कर लेती हूँ। अभी से शुरू होती है अपनी डिटेलिंग पार्ट, जिससे कि ड्रॉइंग में जान आने वाला है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर, ताकि इसे एक फिनिशिंग लुक आ सके। पता है अभी थोड़ा थोड़ा मेसी लग रहा है, लास्ट में देखना बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा ये। आपको तो अभी से पता चल ही रहा होगा कि कितना प्रीटी लग रहा है अभी से। ऐसे ही चारों तरफ हमें ऐसे नीचे की साइड से फैलाना है, ताकि इसे एक नेचुरल लुक आ सके। Amazing! तो गाइज मुझे यहाँ पे बनाना है दो क्यूट क्यूट आईज, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। उसको अच्छे से अप्लाई करना है आईज पार्ट में। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा संभल के करना, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। और ये रहा मेरे पापा की मूछ। कोई बताना मत मेरे पापा को, नहीं तो आज मेरी बहुत पिटाई होगी। तो चलो जल्दी जल्दी से पापा की मूछ को कम्प्लीट कर देते हैं। और बिना ब्लश के तो पापा अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये रहा ब्लश। और मैं यहाँ पे आईज में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग आर्ट कर रही हूँ, और ऊपर साइड में थोड़ा सा वाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये पार्ट ना मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ डैड। और लास्टली मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वर्निश, जिससे हमारे क्राफ्ट में एक जान आएगा। और यहाँ पे केयरफुली एक एक ड्रॉप करके डालना, नहीं तो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, कलर निकल आता है अंदर से। सो फाइनली हमारा पेन स्टैंड रेडी है। चलो इसमें पेन एंड ब्रश रख के देखते हैं कैसा दिखता है ये। ओह हाउ क्यूट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।